YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का आज एक नए व्लॉग में। तो पार्ट वन का मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ये है पार्ट टू। पार्ट वन में मैं बताई थी कि धान कैसा उसना जाता है, बट मैं वहाँ पर पूरा व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। तो ये कंटिन्यू है, पार्ट टू है, पूरा व्लॉग देखिएगा। और यहाँ पर बहुत मस्ती मजाक चल रहा था, मेरे भगीना थे जो कि इनको बहुत सता रहे थे, ये उनके मामी लगते हैं और ये मेरी देवरानी है, चचेरी देवरानी। तो इन्हीं का ही ये धान है जो कि वो पानी में डाल कर रखे थे भिगो कर, तो वो छान रहे, पानी में से निकाल कर रख रहे हैं टपमर टप में, और इसी को अब उसनेंगे। तो किस तरह उसनाता है आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा। ये देखिए, ये बहुत बड़ा बर्तन है, तो इसमें पूरा ऊपर तक फुल कर कर, मतलब ऊपर तक भर देंगे धान को। और बहुत बहुत हम लोग ने एंजॉय किए थे, व्लॉग तो बना ही रहे थे बट एंजॉय काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि ननद थे, ननद के बेटे आए थे, सब लोग मिलकर व्लॉग बना रहे हैं और बहुत बहुत मजाक उड़ा रहे थे, मेरा भी और इनका, इनको तो बहुत तंग कर रहे थे। तो देखिए, पूरा दोनों जो बर्तन है उसको ऊपर तक भर देंगे, उसके बाद इसमें हल्का हल्का आँच लगा कर इसको धान को उसनेंगे। तो कैसा उसनते हैं ये पूरा प्रोसेस आपको आगे दिखेगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में कोई नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, ये अब दो बकेट में था, बकेट में का हो गया है, और अब ये इसको हाउद बोलते हैं। यहाँ धान उसनने की तैयारी हो रही है और ऊपर में मेरे ननद बना रहे हैं चूल्हा, मिट्टी वाला, कोयला वाला, कोयला वाला चूल्हा। इधर का मिट्टी एक बार में कितना अच्छा से हो जाए, हमने इधर ऐसा मिट्टी मिलता ही नहीं है। बाबा, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, दोनों भर दिए हैं। चलिए इसको अब जलाएंगे। करने गए कौन चाची? हाँ ना, ना भारी वजह दीदी आखिया है, मैं कम बड़ा छोटा जना यही चूल्हा बना रहे थे ऊपर। जा जा दिखा दे वो कैसे बन लो चूल्हा। इसमें पानी थोड़ा सा डालें, जरेगा नहीं नीचे, पानी डाल दिया तो कितना डालू है, इतना एक भर, इतना में दो मग, हाँ कितना डालू, एक जग, एक जग, अच्छा अच्छा, दोनों सास पुतो मिलकर धान उसन रहे। हाँ कैसे पता चले कि उसना के लिए कितना देर लगेगा? बाप भी के लगता है, अच्छा धुआं निकलने लगेगा, निकलने लगा है। हाँ। आज हाय तो उतरे कहा कि आग नहीं आओ कुछ पता चल गए ना, जैसा हम भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं धान ऐसा उसनते, कभी नहीं देखे। इस बार अच्छा मौका पे आए हम धान उसनने का टाइम। वो तो धान उसराइया गेलो, हां अच्छा टाइम पर तो आज हमारे वीडियो क्वालिटी भी बहुत क्लियर आ रहा है एकदम। पूछू ना, हाँ मर का इधर लेकिन इधर देखा मंजली, मंजली ना संजली, सास पुतों का फोटो डालेंगे हम यूट्यूब में आज। मम्मी आ गए, अब चाची से नहीं हो रहा था, मम्मी एक्सपर्ट है, फिर आओ है उस सन्ने के लिए आओ। उस
भूसा से अथी हो जाए। अब पकड़ लिया। देखा हम भी ट्राई करे थे ऐसे धान के भूसा मतलब कौची से होले चावल कुटाइला के कुटाइलका के है। हाँ राइस मिल के है फोकला फोकला ऐसा निकला है राइस मिल वाला। पानी कौन भर जी मैया कहाँ के लगे मैया खेत में गए अंदर हथिन ना नाच ना जाने आंगन टे कद वीडियो बना कोची तो ऐसे हो गई थाई गुस्सा मम्मी जैसे सीखी थी देखो मम्मी ऐसे करे थी मम्मी कर रही थी। हां ऐसे मारा दिन सात सात मारा दिन डाल रहा। हां ऐसे मारू था खुला दिन सॉस वाला पुतो सीख ले तो ये देखा हो धुआं अभी पूरा आवेदन न तली है पूरा तो इधर से धुआं निकलने लगा। अच्छा एक धान के काम करे है धुआं निकलने के सुखा के कोठी में सहितते सहितते धान बुने के टाइम में आ जा है। सही बात है धान का गेहूं का सीजन है साल आइए जाए साल में मोरी बुना जा जेठे में मोरी बुना जा अंदर घुस घुस कर तोड़ ले रही सीम सब सीम तोड़ने में लगे आज सब चोरी हो जित चोरी बचका अच्छा होगा ना और भी हम बचका बना लेंगे ढेर मनी है इसका सब्जी भी अच्छा लगता है। धुआं निकल गया बहुत मेहनत है देख कर देख कर तो भारी हो जाएगा ना ज्यादा देखो एकदम से चल नहीं है थोड़ा सा सीज गया है ये चावल फिर इसको सुखाते ये सीजल है तैयो ये बनने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है क्यों उतना ना जा है टाइट हो जाए ना चावल वा अच्छा वा अरवा चावल जल्दी बन जाए कच्चा ना हो जाए कच्चा वो हो जाए कच्चा
धान उसन कर यहाँ रख रहे, गरम गरम है यार, में बहुत मेहनत लगता है धान उसनने में। स्टीम राइस स्टीम हो चुका है, इसी का सुगदा देंगे, उसके बाद इसको कुटा कर खाते हैं। कितना काम होता है सोचिए, हम लोगों को ना बना बनाया मिलता है इसलिए पता नहीं चलता है, मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अभी पूरा उसनने के बाद इसको आज अभी शाम के 4 बज रहे, 4 नहीं 4:30 बज रहे, आज कल तक इसको हल्का धूप में सुखाएंगे, उसके बाद रख देंगे। अभी तो टाइम है, अभी बहुत सारा उसनने बाकी है, तो वीडियो पूरा नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा बताना था मुझे इसलिए मैं बताई, और मैं भी फर्स्ट टाइम देखी हूँ धान उसनते हुए। सारा सीम इतने सारा अभी और है ना ले। हाँ अभी उसके अंदर भी है, अच्छा है, ढेर सारा सीम हो गया। सब सीम ये तोड़ लियो देख, अब एक कौन है लेके अभी। हाय हाय कौची कौची पंद्रह नहीं ता कर ले, हां वो है वो देख ले। हाय हाय फिर दोबारा हमरा मुड़ के कहबो मत करिए कि तोड़ी चल जीजवा। रात के 7 बज गए थे, देखिए कितना अंधेरा हो गया, और चलिए ऊपर चल के दिखाते हैं कि धान पूरा उसना गया, और देखिए वो जो हौद बोलते हैं ना उसमें और भर कर रखें कल उसनने के लिए। तो चलिए ऊपर चल के दिखाते हैं किस तरह से उसको अच्छे से फैला दिए हैं ऊपर छत पर। तो छत को पहले धो दिए थे, ऐसा नहीं है कि गंदे छत पे ही, छत को अच्छा से धो दिया जाता है, उसके बाद ही देखिए इस तरह से धान सब डाल दिए, और कितने अच्छे से हाथ से चला रहे हैं, देखिए उसको फैला रहे हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हमको उतना पता नहीं चलता है, जब हम तो डायरेक्ट चावल निकालते हैं खाना बना लेते, लेकिन उस चावल रेडी होने के लिए कितना सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सोचिए। ये मैं आज देख ली हूँ, आपको कैसा लगा? ऐसे आप गांव से हैं तो आपको पता होगा, पर जिन जिनको पता नहीं है आप लोग आज देख लिए हैं ना, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे कोई जुड़े हैं फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।